हाँ तो भाई हमारी क्लास 10th वाली बच्चों पार्टी 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कैसा होने वाला है। देखो सैंपल पेपर आ चुके हैं और सैंपल पेपर का आज इस बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरा डिसाइड करने वाले हैं कि भैया सैंपल पेपर जैसा आता है वैसा बोर्ड एग्जामिनेशन आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और किस लेवल का बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा आपका। तो अब हम बात करते हैं जरा सैंपल पेपर के बारे में। सैंपल पेपर 2025 के लिए रिलीज हो चुके हैं, साइंस वगैरह के, एसएसटी वगैरह के, सबके सैंपल पेपर आ चुके हैं। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि भैया सैंपल पेपर बहुत ही बेहतरीन तौर पर इस बार सीबीएसई ने डिसाइड करे हैं। सैंपल पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहां तुम साइंस का सैंपल पेपर उठा लो जहां सोशल साइंस का सैंपल पेपर उठा लो, भैया ऑल अबाउट अब रट्टाफिकेशन नहीं बची है सीबीएसई के अंदर। अब सीबीएसई चाहता है कि तुम अब क्रिटिकल थिंकिंग करने लगो, अब तुम क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग करने लगो, अब तुम जो होता है ज्यादा सोच के आंसर दो क्योंकि तुम सैंपल पेपर उठा के देख लो। देखो जरा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें हर चीज अप्लाइड फॉर्मेट में देखने को मिल रही है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है भाई। डेफिनेशन के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई करो भैया यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता, आइडेंटिफाई, ठीक है। और जो होता है यहाँ पे केसेस दे दिए, अनिरुद्ध है भैया यहाँ पे, उन्होंने ऐसा करा है वैसा करा है, ठीक है। अब तुम सेम ही सोशल साइंस के अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, इंटरप्रेट करो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करो, रीड करो डेटा को, उससे बनाओ, मैच करो लिस्ट को, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज द की, यहाँ पे जो होता है तुम्हें एक पूरा केस बना के दे दिया कि ये ऐसा है तो बताओ यहाँ पे कैसा होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल इंटरप्रिटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल आ रही है। इसके हिसाब से अगर मैं तुमसे कहने जाऊं कि भैया इस बार का पेपर कैसा आने वाला है, इस बार का पेपर आपका मॉडरेट जाएगा, आपका जो होता है इजी जाएगा या हार्ड जाएगा, भैया मजेदार जाएगा, मतलब मॉडरेट टू हार्ड के बीच में पेपर बहुत ही बेहतरीन तौर पर लाई करने वाला है। पिछले साल के तौर पे अगर हमने जितने भी ट्रेंड्स देखे हैं सीबीएसई के कि भैया सीबीएसई किस हिसाब से ट्रेंड्स दिखाता है, तो सीबीएसई के ट्रेंड्स हमें कुछ इसी तौर पे देखने को मिले हैं कि आपका सैंपल पेपर जिस हिसाब से आता है, सैंपल पेपर से 10-15% आपका पेपर या तो लो लेवल पे लाई करता है या तो हाई लेवल पे लाई करता है। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ था कि जब उसका सैंपल पेपर जो आया था वो 10-15% हायर लेवल पे था एज कंपेयर टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा सा 10-15% लोअर लेवल पे था, लेकिन अब क्योंकि मैक्सिमम ट्रेंड्स हमें यही बताते हैं कि भैया सीबीएसई जैसा सैंपल पेपर निकालती है उसके उसके अप्रोक्सीमेटली आपका क्या कहते हैं सैंपल पेपर के बराबर ही मेन पेपर को डिसाइड करा जाता है। तो अगर आपका सैंपल पेपर की बात करी जाए कि सैंपल पेपर किस लेवल का है, मैथमेटिक्स वगैरह का भी, तो अगर देखा जाए तो सोशल साइंस साइंस ही मेन हमारा डिसाइड कर देता है कि भैया पेपर कैसा होने वाला है। तो सैंपल पेपर के हिसाब से पेपर जो होता है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ लाई करेगा और इस बार की प्रिपरेशन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग के बेस पर करनी पड़ेगी। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब भी काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी को समझ के पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी की तुम्हें इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। और उसके लिए भैया मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं और आपके बहुत ही जल्दी लेक्चर्स वगैरह भी आने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तौर पर। तो प्लीज़ जाके इन नोट्स को डाउनलोड करो, ये चैनल के होम पेज पर जाओगे सब्सक्राइब करने के बाद में तो आपको ये नोट्स होम पेज पर ही मिल जाएंगे सारे। इसको डाउनलोड कर लो, इसको प्रिंट आउट निकलवाओ, अगर तुमने अपने नोट्स बना लिए तो बहुत बढ़िया बात है साइंस एसएसटी के लिए, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो ये इसको जाके देख सकते हो। और इंग्लिश हिंदी जो तुम पूरी साल भर नहीं पढ़ते हो उसके लिए भी मैं नोट्स बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और बाकी हम लोग जो होता है थोड़ा बहुत फिर बाद में हमारा अभी 1-1.5 महीने बाद में हम लोग वन शॉट्स वगैरह करेंगे तो उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि तुम जो होता है तो अब तुम हमारे वन शॉट्स आके देख सकते हो कि भैया हम पुराने वन शॉट्स की बात करें तो देख रहे हो हमने किस तरीके से हिंदी को 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, इंग्लिश को 4 घंटे के अंदर और एसएसटी को क्या कहते हैं 7 घंटे में, साइंस को 9 घंटे में, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करा रखा है और उस पर लोगों ने खूब अच्छी तरीके से प्यार भी दिया है। तो तुम्हें साथ में बनाए रखना है अगर तुमने अपना प्रॉमिस कर रखा है कि भैया हाँ मुझे 90+ मार्क्स लाके आने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि हाँ मुझे 98% मिले हैं या मुझे 95% मिले हैं, तो जो होता है तुम हमारे साथ डटे रह सकते हो क्योंकि दिल से दिल तक का कनेक्शन होता है और मैं तुम्हारे साथ में पूरा का पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बाकी होगा तो पता नहीं भाई, लेकिन हाँ आपके ये भैया आपके साथ में डटे रहेंगे। तो क्या आप जो होता है डटे रहने के लिए तैयार हो? मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वगैरह भी डाल दी है जो कि सितंबर से आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो वाली वीडियो, तो उसको जाकर ज़रूर देखना प्लीज़। और सैंपल पेपर के हिसाब से पेपर बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, तो लेट्स सी अब क्या होता है सीबीएसई के अंदर। और तुम्हें तैयारी बहुत ही बेहतरीन तौर पर करनी है, हाफिल जैसा भी गया हो कोई टेंशन नहीं है, अब मेन बोर्ड एग्जामिनेशन की बात ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो के ऊपर और प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जाके जो कि यहाँ पे आएगी अभी आपकी, ठीक है। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।